विधानसभा हारे कैंडिडेट अब कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में तारे बन सकते हैं। जी हां, राहुल गांधी अब विधानसभा में मध्य प्रदेश में हारे हुए कैंडिडेट पर लोकसभा चुनाव में दाव लगा सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा हारे लोकसभा में बन गए आंखों के तारे, क्या हारे हुए घोड़ों पर दाव लगाएगी कांग्रेस? विधानसभा हारने वाले कैंडिडेट लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। मिशन 2019 में राहुल गांधी का टिकट मैनेजमेंट। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। टिकटों को लेकर जमकर मंथन किया जा रहा है। कई नामों पर सहमति बन चुकी है और बाकी नामों पर अगली स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा होना है। वहीं पार्टी द्वारा विधायकों को टिकट न दिए जाने के ऐलान के बाद अब ऐसे नामों पर मंथन किया जा रहा है जो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन लोकसभा में इनसे जीत की उम्मीद रखी जा रही है। जी हां, लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने के लिए कांग्रेस विधानसभा में हारे हुए चेहरों पर दाव लगाने की तैयारी कर रही है। करीब आधा दर्जन सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के मामले में नाम लगभग तय कर लिए हैं। कांग्रेस में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया को खजुराहो सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाया जा सकता है। वे पूर्व में खजुराहो से भाजपा से टिकट पर दो बार सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस हाईकमान ने भाजपा के कब्जे वाली मुरैना, दमोह, सतना, खंडवा लोकसभा सीट जीतने के लिए स्थानीय चेहरों का चयन कर लिया है, जिनमें मुरैना से रामनिवास रावत, दमोह से मुकेश नायक, सतना से अजय सिंह और खंडवा से अरुण यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इसके संकेत खुद पार्टी ने दिए हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, प्राथमिकता ये रहती है कि चुनाव कौन जीत सकता है, और चुनाव जीतने वाले साफ सुथरी छवि के नेता को मौका अवश्य मिलेगा। और जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं पूरे प्रदेश की, कांग्रेस जन की इच्छा है कि वो इस बार चुनाव लड़े, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी की झोली में डाल के उनके हाथ मजबूत। दोनों अच्छे नाम हैं, क्यों नहीं होना चाहिए उन्हें प्रत्याशी, उन्हें अवश्य प्रत्याशी होना चाहिए। ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से लोकसभा के कैंडिडेट की चयन प्रक्रिया चल रही है, और इसके चलते हर लोकसभा में 10 से 12 लोगों से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। उसके बाद एक ऑब्जर्वर राज्य स्तर पर और एक ऑब्जर्वर केंद्र स्तर पे क्षेत्र में जाके लोगों से चर्चा करी थी कैंडिडेट के बारे में। इसके अलावा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने लोकसभा क्षेत्र के नेताओं को से बात करी, उनकी रायशुमारी करी उनके साथ, और इश्यूज भी आइडेंटिफाई करे हैं। तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी एक्सरसाइज हो गई है और निश्चित ही अच्छे नाम निकल जाएंगे। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव हारे दिग्गज नेताओं को कांग्रेस ने लोकसभा के लिए एक्टिव कर दिया है, जिसके बाद कई नेता अपने अपने क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी मौके पर आलाकमान किस तरह से फैसला करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।